हेलो फ्रेंड, मैं राहुल आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आया हूँ। हमारा कौन सा हाथ शुभ होता है, जिसे हम किसी भी कार्य में बहुत आसानी से यूज कर पाते हैं और ठीक प्रकार से उसे यूज करते हैं। हमारे पास में तो दो हैंड है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। इन दोनों में से शुभ कौन सा है? 95% पीपल के अनुसार राइट हैंड ही वो लोग शुभ मानते हैं। तो क्या ये सही है या नहीं है, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिर भी आप अपने मन में यही सोच रहे होंगे हमारे हाथों में क्या रखा है, तो आपके हाथों में क्या रखा है उसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो में शुरू करते हैं कि कौन सा हाथ शुभ होता है। आपके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहे होंगे कि हमारे पास में जो दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ दिखने में तो सेम है और एकदम इक्वल है, तो ये तुलना क्यों? ये जो तुलना है ये हमने ही तैयार किया है, हम इंसानों ने ही इसे किया है, तो इसे हम कैसे समझे कि ये सही है या नहीं है? मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे ये डाउट आपको क्लियर हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, आप एक पहाड़ से गिर पड़े और उस पहाड़ के कोने में एक पत्थर है, उस पत्थर को आपने पकड़ लिया, तो आप क्या सोचोगे, हम इसे राइट हैंड से खींचे या लेफ्ट हैंड से? नहीं, आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि हम इसे कैसे खींचे, और दोनों हाथ से आप जितना पावर लगा पाओगे उससे ज्यादा पावर यूज करके आप उस जगह से जल्दी निकलने की कोशिश करोगे। उस समय आपके दिमाग में नहीं आएगा कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। इसीलिए आप अपने दिमाग में ये सोचिए, आपका जो राइट हैंड है उससे आप सब काम कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप वही हाथ से दान पुण्य करते हैं और वही हाथ से पाप भी करते हैं, तो आपको ये कैसे पता चले कि आपने पाप किया या नहीं? तो चलिए हम आपको ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं और अचानक से वहां झगड़ा लग गया, तो आपको भी लग गया, तो आप भी वहां पे मारेंगे। तो आप जब किसी को मार रहे हो तो उस समय आपका कौन सा हाथ उठता है? तो स्वाभाविक है आप राइट हैंड से ही मारेंगे, और आपका राइट हैंड ही पाप कर रहा है। जिस हाथ से आप पुण्य कर रहे हैं उसी हाथ से आप पाप भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जिस हाथ को आप जितना सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं असल में उतना सर्वश्रेष्ठ है नहीं। ये तो हुआ राइट हैंड का बात, पर अब आपके पास में एक और सवाल आता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसे हम जो अशुभ समझते हैं असल में क्या वो अशुभ है या नहीं है? आप तो उसे सोचते हैं कि हम उसे गंदगी साफ करते हैं इसीलिए उससे हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते या उसमें उतना जोर नहीं है, पर ये तो उसका कर्म है, इसके सिवा वो कुछ नहीं करता। अगर आप अपने दिमाग में ये सोच ले कि अगर आपके पास में लेफ्ट हैंड ना हो तो क्या होगा, आपको राइट हैंड से ही वो काम करना पड़ेगा जो काम आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बार ध्यानपूर्वक सोच के देखिए, जब आपको मुसीबत पड़ता है तो दोनों हाथ ही आपका काम आता है, और आपका दो हाथ मिलके ही आपका शरीर कंप्लीट होता है। अब आप मान लीजिए आपके पास में दो हाथ है, ये दो हाथों में एक राइट हैंड है एक लेफ्ट हैंड है। ये जो लेफ्ट हैंड है इससे आप सिर्फ कर्म ही कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, और जो ये राइट हैंड है इससे आप सब काम कर रहे हैं, कभी आप इसे पुण्य भी कर रहे हैं और कभी आप इसे पाप भी कर रहे हैं। इसीलिए इसके हाथ में दोनों ही है, पर ये सिर्फ अपना कर्म कर रहा है। कोई कोई समय में ये इतना शुभ है कि उसके सामने राइट हैंड ही पापी लगता है। इससे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप जो दिमाग में अपना सोचते हैं असल में क्या वो सही है या नहीं है। जो आपका लेफ्ट हैंड है वो तो एक बच्चे के समान है, उसको कुछ भी पता नहीं है, वो तो सिर्फ अपना काम करे जा रहा है, पर आप जो करवाते हैं वही वो करता है और इसके सिवा उसका कोई भी काम नहीं है। तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो अपना कर्म ही कर रहा है, उसके अनुसार आपका लाइफ में जो आपका कर्म है वो आपको करना होगा, और आपको अपने लाइफ को इस प्रकार से आगे लेके जाना होगा कि आपको कोई भी हरा ना सके। तो आप अपने लाइफ में जो हमेशा एक काम करते हैं, जो डर के भागते हैं कि हम ये काम को नहीं कर पाएंगे, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, और लाइफ टाइम उसे भागते ही रहते हैं, आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो भागे या तो रुक कर उसका सामना करे। यदि आप भागोगे तो आपको लाइफ टाइम भागना होगा, अगर आप रुक के उसका सामना करोगे तो आप जल्दी से उसको सॉल्व कर लोगे कि आपके लाइफ में कभी वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता था। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपका लाइफ का जो भी डिसीजन है वो आपके ही हाथ में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करके और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।